जहन में है, जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, जो आपने बात करी दो हफ्ते बाद नए ऑल टाइम हाईस की, कौन से स्टॉक्स को लीड करेंगे? तो आपको दिख रहा है कि लास्ट दो महीने से हम कॉन्ट्रेरियन होके ऑटोज में बहुत बुलिश थे और हमने कहा एक मार्कअप सेक्टर है, लीजिए। हमें लगता है ऑटो, सीमेंट और कंजम्पशन, साथ में कंस्ट्रक्शन, ये चारों सेक्टर लीड करेंगे अगले छह महीने के लिए। देखिए 10 दिन में तो तेजी आएगी, मंदी आएगी, लेकिन वी थिंक दैट दीज आर गोइंग टू बी एक्सलेंट सेक्टर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। और मैं यहां आपको कह रहा हूं कि 12,000-12,200 तक निफ्टी का जाना इलेक्शन से पहले हमें पक्का लगता है। उसके बाद इलेक्शन की वॉलिटिलिटी आएगी, लेकिन कंजम्पशन, ऑटोज, मेटल्स और कंस्ट्रक्शन, इन सेक्टरों में आप ध्यान दीजिए और सेलेक्ट स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ओके, तो ऑटो, मेटल, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये वो थीम है जो और बाजार को बुलंदियों पर ले जा सकती है। और जैसे भसीन साहब कह रहे हैं कि सूर्य पूरे फॉर्म में आता है और उसका पूरा आशीर्वाद रहेगा इन शेयरों पर। बगा साहब को भी पसंद है, और ये बताइए फेवरेट स्टार्टर और मेन कोर्स क्या खाते हैं आप? सर बाय द वे, गर्मियों में मैं लस्सी पीता हूँ, मेरे साथ दूध डज नॉट सूट मी, तो आई हैव लस्सी एवरी मॉर्निंग बिफोर आई कम। क्या बात है। लाइटर नोट, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन आज एकदम यहाँ दो तीन दिन वीकेंड है तो सब नॉन वेज चलेगा। मैं वेजिटेरियन हूँ वैसे तो, बट पंजाबियों में यहाँ खास है। तो जैसे अजय ने बताया कि आपका दसवां हिस्सा देने का मतलब बरकत डालना, अगर आप दोगे उतना लगाओगे उतना भगवान आपको और देगा। तो हमारा ये कहना है हर इन्वेस्टर को कि अपना 1/10 हिस्सा दान में दीजिए और बाकी 15% हिस्सा शेयर मार्केट में लग के उसको भूल जाइए, तभी आपको बरकत पड़ेगी। क्योंकि शेयर बाजार बरकत का ही केंद्र है जो 5, 10, 20 साल में आपको वेल्थ क्रिएट करेगा। बिल्कुल।